गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू से बने आलू की टिक्की। ये टिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजीली आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो व्रत में अगर आप कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। यहाँ पर मैंने 4 से 5 उबले हुए आलू लिए हैं और मैंने लिए हैं 3 से 4 बारीक चॉप करी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 1 कप यहाँ पर मैंने मूंगफली ली है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले आलूओं को मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं हाथों की मदद से आलूओं को मैश कर लूँगी। तो सभी आलूओं को मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने एक जार लिया है और मूंगफली ली है। मूंगफली को मैंने थोड़ा सेक कर इसका जो छिलका था उसे हटा लिया है और अब हम मूंगफली को ग्राइंड कर लेंगे। तो रुक रुक कर आपको मूंगफली को ग्राइंड करना है, बिल्कुल बारीक भी से ग्राइंड नहीं करना है। आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा मैंने मूंगफली को रखा है, बस इसी तरीके से हमें इसे ग्राइंड करना है। तो वही जार मैंने वापस लिया है, इसमें मैं 4 से 5 लाल मिर्च ले रही हूँ, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और जो हम डेली यूज़ में लाल मिर्च यूज़ करते हैं उसकी जगह आप ऐसे पीस कर लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैश करे हुए आलूओं में मैं डाल रही हूँ ये मूंगफली जिसे हमने ग्राइंड करा था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक चॉप करा हुआ अदरक, बारीक चॉप करी हुई हरी मिर्च। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिर्च आप कम कर सकते हैं इसमें से। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सेंधा नमक और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स जो हमने बनाए थे। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हाथ की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, ऑयल को हम हाथ में अच्छे से लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर आलू की टिक्की बना लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से, और थोड़ा सा आप इसे प्रेस कर दें, बिल्कुल आलू की टिक्की का हम इसे शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही बाकी सारे आलू की टिक्की भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आलू की टिक्की का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी आलू की टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है कुट्टू का आटा, 2 कप यहाँ पर मैंने कुट्टू का आटा लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सेंधा नमक। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक को यहाँ पर मैंने आटे में मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैटर बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो बिल्कुल पतला भी हमें इसे नहीं करना है, बिल्कुल इस तरीके का इसे रखना है। तो अब यहाँ पर मैं एक आलू की टिक्की ले रही हूँ, इसे हम इसमें अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसे कवर कर लेना है। और अब एकदम गरम गरम तेल में हम इस टिक्की को डाल देंगे। तो तेल बिल्कुल अच्छे से गरम होना चाहिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पर आप तेल को गरम करें। अगर तेल थोड़ा कम गरम होगा तो टिक्की जो है वो नीचे चिपक भी सकती है। तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल हम इसके ऊपर डालेंगे। तो अब एक स्पैचुला की मदद से आप इसे पलट लें। तो बस एक बार आपने देख लिया कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है और ये नीचे चिपक नहीं रही है, उसके बाद आप सारी टिक्की इसमें डाल दें। तो यहाँ पर एक बार में मैं 4 टिक्की फ्राई कर रही हूँ और अब हम इन्हें ऐसे पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी जब तक ये ना हो जाए जब तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आलू की टिक्की एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और आप इनका कलर भी देख सकते हैं, एकदम अच्छा गोल्डन कलर इन पर आ गया है।
और अब हम टिक्कियों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर से एक टिश्यू पेपर पे मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर सारी टिक्की मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल ली है और ऐसे ही बाकी बची हुई टिक्की भी हम फ्राई कर कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी कुट्टू से बनी हुई आलू की टिक्की मैंने बनाकर तैयार कर ली है और यहाँ पर मैंने इसे एक चटनी के साथ सर्व किया है। यहाँ पर मैंने हरी चटनी बनाई है। तो बहुत ही क्रिस्पी आलू की टिक्की बनी है और बहुत ही जल्दी हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर व्रत में आप भी कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो आप ही आलू की टिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक आलू की टिक्की तोड़कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छे से अंदर से एकदम अच्छे से सिक गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है ये। और आप इसे हरी चटनी के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।